जय माँ शारदे। जैसा कि 12th के सेकेंड वॉल्यूम से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वह इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसका आज वीडियो है। देखिए इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, सबसे पहले आप लोगों को ये चिन्ह मालूम होना चाहिए। किसका चिन्ह है? यह चिन्ह है इंटीग्रेशन का। जैसा कि आप लोग इस बात को जानते हैं, इंटीग्रेशन करना है वन, याद रखिएगा वन dx आ जाए सिर्फ, ये बहुत बार पूछा गया है वन dx या सिर्फ आपका आ जाएगा ऐसा dx। यहाँ ध्यान दीजिए सही बच्चे, यदि ऐसा कोई सवाल आ जाए वन dx या सिर्फ dx आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए x है, dx वाला है तो केवल आ जाएगा x प्लस के जो है कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है, या से भी कांस्टेंट में ले सकते हैं। याद रखिएगा इंटीग्रेशन 1 dx या सिर्फ आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, इसका एक नंबर आपका फिक्स है x प्लस के होगा। या कभी कभी ऐसा पूछ दिया था एक बार परीक्षा में 0 dx, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 dx, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0, के आपका कांस्टेंट है, के क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? के भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ के आपका कांस्टेंट है। दूसरा देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को जो है फॉर्मूला याद रखना होगा, आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए जैसा कि आप लोगों को इसलिए फॉर्मूला से वीडियो बनाते हैं, इंटीग्रेशन करना आप लोगों को साइन एक्स का। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आएगा और ये फॉर्मूला भी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सी ये कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है क्या बताए थे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। आप लोगों को यह ध्यान में रखना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा माइनस कॉस होगा, उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसा कि देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यदि हम लोग करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है साइन, यहाँ प्लस प्लस माइनस में गलती नहीं कीजिएगा, एक नंबर नहीं तो कट जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए तो, साइन एक्स होता है। और इसी तरह से यदि आपको पूछ दे दूसरा बात यह है कि टेन एक्स का, देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डीवीआई क्वेश्चन है, टेन वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेन एक्स का देखिए माइनस में होगा तो कॉस होता है लॉग मोड कॉस एक्स, क्या होता है सूत्र एनु लॉग मोड कॉस एक्स। यदि आप प्लस में लिखना चाहते हैं तो लॉग मोड यह हो जाएगा सेक एक्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है log mod 10x by 2, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में फॉर्मूला याद कर चुके होंगे। इसी तरह से यदि पूछा जाए देखिए cot x का, किसका पूछा जाएगा नुनु? cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log mod sin x। cot x का क्या होगा इंटीग्रेशन बताइए तो, log mod sin x होता है। इसी तरह से यदि पूछेंगे हम लोग sec x का इंटीग्रेशन, इसका आंसर होता है log mod sec x प्लस होता है 10x। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x प्लस cot x। यह आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। गणित जो है फॉर्मूला पर, जिस बच्चे को फॉर्मूला आएगा तुरंत हो जाएगा, इसको फॉर्मूला नहीं आएगा फिर बनाने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा देखेंगे कि जैसा कि सवाल देखिए इस तरह से कभी कभी पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। देखिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होगा, ई टू दी पावर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग आप लोगों को नहीं करना है। जैसा कि आप लोग इस सूत्र को जानते हैं 1/x, देखिए 1/x का इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला होता है log mod x प्लस c भी लगा सकते हैं, c कांस्टेंट है, c क्या है नुनु? c कांस्टेंट है, c आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो सवाल आएगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रख के तब पूरे सवाल को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं।
जैसा कि देखिए इनवर्स से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, अंदर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन वन बाय अंदर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन। ऐसा सवाल आ गया है पिछले बार वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो सूत्र होता है ये आपका होता है टेन इनवर्स एक्स। सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला तो याद रखना होगा, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और दो नंबर दे देता है इंटीग्रेशन में, आगे जाके सवाल में यूज है, ये भी फॉर्मूला याद करना जरूरी है ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हल कर सके। किसी तरह से पूरे फॉर्मूला जितना भी इंटीग्रेशन का है आपको याद रखना होगा। और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं यदि ये माइनस लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, किसी विद्यार्थी का कहना है कि सर कभी ऐसा फॉर्मूला, देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा यदि आप इंटीग्रेशन में जाते हैं तो इसका तब हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा इसका कोट इनवर्स एक्स प्लस के। और हो सकता है कि आपको यदि सवाल में ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का, देखिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का करेंगे तो इसका सूत्र होगा ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा यदि ए टू दी पावर एक्स का करना है ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ए हो जाएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि टू पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है अंकित तो इसका क्या होगा टू पर पावर एक्स होगा लॉग टू हो जाएगा। यह फॉर्मूला देखिए होता क्या है कभी कभी विद्यार्थी इतना फॉर्मूला याद करता है ये नहीं कर पाता है, उसे ध्यान देना होगा इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का है ए टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा बताइए तो आपका लॉग ए हो जाएगा। यदि इंटीग्रेशन टू पर पावर एक्स डी एक्स करेंगे तो टू पर पावर एक्स लॉग टू हो जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में सवाल बताया जाएगा किस तरह का सवाल आता है, पहले फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए और यदि समझ में आता है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।